हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भर्ती की अपडेट के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के CGPSC यानी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा ये निकाली गई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, पोस्ट का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और गृह मंत्री, यहाँ पे गृह विभाग के द्वारा ये भर्ती ली जा रही है CGPSC के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 67 पोस्ट निकाले गए हैं, जिनमें अनारक्षित के लिए 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 19 है, अनुसूचित जाति के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है। उसी तरीके से महिलाओं के भी कुछ पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं और यहाँ पे टोटल कुछ बैकलॉग भी पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे 67 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है दोस्तों, आपको ऑनलाइन के माध्यम से 8 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में करना है एप्लीकेशन। और ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप दिए हुए हैं यहाँ पे, आरक्षण संबंधित, एज लिमिट संबंधित, और यहाँ पे देख सकते हैं पद का क्या नाम है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपत्रीय सेकंड अधिकारी। और यहाँ पे देख सकते हैं वेतनमान 38,100 रुपीज़ यहाँ पे लेवल 9 के बेस पे यहाँ पे पेमेंट होगी। और परीक्षा विधि में यहाँ पे 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा और उसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे स्टाइफंड दे होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 35 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए 40, और जो STSC कैटेगरी या OBC के लिए यहाँ पे आरक्षण जो है वो भी दिया जाएगा, आरक्षण में एज लिमिट में छूट रहेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको ये देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि अनिवार्य है, यानी कि आपको लॉ में किए हैं, ग्रेजुएशन या कानून से संबंधित आपने डिग्री ली है ग्रेजुएशन में, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे परीक्षा योजना, ये देख सकते हैं परीक्षा योजना यहाँ पे 2 चरणों में होगी आपकी। पहले दोस्तों यहाँ पे आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और 30 नंबर के यहाँ पे आपके इंटरव्यू होंगे, और उसके बाद कुल टोटल यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो 100 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे लघु अधिनियम माइनर एक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, और कुल टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स के पेपर होंगे और 150 यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या होगी। तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर लेंगे, CGPSC के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस लिखा हुआ है, इसका PDF लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ, और एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी के बारे में मैंने बताया दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।